चैनल के प्रेस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारी बारिश में फसल के नुकसान का प्रशासन ने किया सर्वे शुरू। एसएसपी ने किया पुल भट्टा थाने का निरीक्षण। कांग्रेसियों ने लगाया केंद्र सरकार पर हिटलर शाही करने का आरोप। भारी बारिश से हुआ फसलों का नुकसान। रोड एक्सीडेंट में हुई एक की मौत और 11 घायल हुए। अब खबरें विस्तार से। महाकमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार में लगातार फरियादियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कुमाऊं कमीशन के काम करने के तरीके और लोगों की समस्याओं के निस्तारण को देख फरियादियों की भीड़ हर जनता दरबार में पहले से ज्यादा रहती है। इस बार कमिश्नर के जनता के दरबार में ब्याज पर पैसा देने वालों की शिकायतें भी पहुंची हैं, जिसके बाद कमिश्नर सख्त एक्शन के मूड में है। हल्द्वानी शहर के साथ ही आसपास लोगों द्वारा अपनी जमा पूंजी की धनराशि को ब्याज पर लगाया जा रहा है, जो गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा है कि धनराशि ब्याज पर लेना व देना कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा जो लोग इस कृत्य में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं शिकायतकर्ताओं से मिला हूँ, कुछ मामले तो तहसील के थे। एक गहना का मामला था जहाँ पे कोई जमीन थी जो किसी एक व्यक्ति की थी, उस पर आज कोई और बैठा हुआ है। पूर्व में जो दाखा हुआ था वो बदल दिया गया है सितम्बर के आधार पर, जिसमें मुझे लगता है कि जो होमवर्क होना था वो तहसील की ओर से नहीं हुआ है। का स्पष्टीकरण भी मांगा गया, उनसे अपील करने के लिए भी उनसे कहा गया है। इसी तरह रानीखेत से भी इस तरह से एक म्यूटेशन का मामला था, कुछ एक लैंड फ्रॉड के मामले आए हैं, कुछ एक हल्द्वानी में जो अक्सर मामले रहते हैं जो हम गलत तरीके से कहीं से पैसा उधार ले लेते हैं, जो कि इलीगल है, उसको देना भी इलीगल है, लेना भी इलीगल है, उसके भी कुछ मामले मेरे पास आए हैं। तो इसमें जो लैंड वाले हैं तो हम लैंड फ्रॉड कमेटी में रखते हैं जहाँ पर लैंड फ्रॉड का मामला बनता है। कुछ एक मामले ऐसे हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पार्टीज को बुला के इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या फिर सोल्यूशन निकल जाए, जैसे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए और बिना बात में बात को आगे ना बढ़ाया जाए। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक समारोह का आयोजन किया। आपको बता दें कि यह देश को समर्पित एक ऐसी कंपनी है जिसका मिशन बहुत ही बड़ा और अर्थपूर्ण है। इसी के साथ ये एक पेशेवर प्रबंधन सेटअप है और इसने ग्राहक अनुकूल कार्य नैतिकता द्वारा मजबूत वित्तीय आधार के साथ औद्योगिक क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। समय काफी हो रहा है या फिर मैं छुप हो जाता है। क्या मोरल एक मिशन के तहत काम कर रही है, जिसका मिशन भी है, एक इसका टैगलाइन भी है, मोरल जगाना है, भारत बनाना है। और मोरल तभी जग सकता, भारत तभी संपूर्ण विकसित हो सकता है जब इसके अंदर से एक बेरोजगारी दूर हो जाए और रोग मुक्त भारत हो जाए। इसी मिशन को लेकर के हम लोग आगे चलते जा रहे हैं। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 2007 में शुरुआत हुई, ट्रेडिशनल वे शुरुआत हुई, और जुलाई 2012 में ये नेटवर्क मार्केटिंग में आ गई। एक्चुअली आपने देखा होगा कोई भी आदमी अपने आप को सर्वाइव तभी कर पाता है जब अपने आप को मार्केट के अनुसार अपडेट करता रहता है, कोई भी कंपनी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। और ये मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी जैसा हर आदमी, आम इंसान भी, हर आदमी कुछ चीज़ लेने को जाता है, कहाँ जाना चाहता है, मॉल में ही जाना चाहता है। मॉल में क्यों जाना चाहता है, क्योंकि मॉल में एक जगह पर सब कुछ मिल जाता है। और मोरल की भी बात कर रहे हैं तो ये नेटो मार्केटिंग का एक मॉल बन करके तैयार हो गया है। मतलब यहाँ आपको अलग से भटकना नहीं है, आपको मतलब सुबह से शाम तक जो भी यूज करते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि जैसे किसी को सिंपल आदमी को खाना पीने का चाहिए वो मिल जाएगा, अगर कोई हेल्थ से संबंधित है तो मेडिसिन है, हेल्थ प्रोडक्ट है, वो भी सब मिल जाएगा। जैसे किसान के लिए एग्रीकल्चर चाहिए, जैसे जैम हो, कुछ भी हो, डीएपी हो, जैसे कुछ भी हो वो भी हमारे पास होगा। जैसे पढ़े लिखे बच्चों के लिए आज की डेट में पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है तो उस पर भी हमारी कंपनी वर्क कर रही है। आज की डेट में सॉफ्टवेयर से सॉल्यूशन के नाम से हमारा एक आईटी कंपनी भी है, और बाकी हमारे यहाँ रियल एस्टेट का भी काम है, मतलब और बाकी जैसे इंश्योरेंस का भी हमारे यहाँ काम है, और भी तमाम सेक्टर हैं हमारे पास। और जैसे अभी हमारी कंपनी योर चॉइस के नाम से मॉल भी बनाने जा रही है। उधम सिंह नगर जिले में शुक्रवार को आधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि तेज हवा के चलते हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। भारी बारिश के कारण संभावना जताई जा रही है कि किसानों की फसल को लगभग 50% से अधिक नुकसान हो चुका है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के नेतृत्व में विभागीय अधिकारी की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों के हुए
नुकसान का निरीक्षण किया। इसी के साथ जिलाधिकारी के निर्देश पर किच्छा क्षेत्र में भी SDM कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने फसल नुकसान का जायजा लिया। संवाददाता राजू सैगल की रिपोर्ट। क्योंकि दो दिन से बेमौसमी बारिश हो रही है, हवा भी चली है और कुछ जगह ओलावृष्टि भी हुई है, उससे जो हमारी गेहूं की फसल पकने की स्टेज पे थी वो प्रभावित हुई है और कुछ ऐसे जो खेत नीचे थे लो लाइंग एरियाज थे वहाँ पे ज़्यादा नुकसान परिलक्षित हो रहा है। हमारी टीमें राज्य सभा की कृषि और उद्यान की पूरे क्षेत्र में गाँव-गाँव जा रही हैं और ये देख रही हैं कि किस तरह का नुकसान है, और अगर 33% से अधिक नुकसान होता है तो आपदा राहत अधिनियम के तहत इनको मुआवजे की व्यवस्था है और हम प्रयास करेंगे कि जितने भी काश्तकार इससे प्रभावित हैं उनको सरकार की तरफ से मुआवजे दिया जाए। देखिए, विगत समय में जो बारिश हुई है उससे निश्चित तौर से नुकसान हुआ है। कई जगह से ग्राउंड रिपोर्टें भी आ रही हैं कि उसमें फसल की क्षति हुई है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि ग्राउंड पे जो टीमें हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और राजस्व निरीक्षकों की टीम गठित कर दी गई है, वो ग्राउंड पे जाके आकलन करेंगी, आपदा के जिन नियमों में वो समाहित होती है उसके अनुसार फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान मंजुनाथ TC ने पुलभट्टा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान SSP ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि SSP मंजुनाथ ने काम में लापरवाही करने वाले एक दरोगा को लाइन हाजिर करते हुए वेतन रोकने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। SSP मंजुनाथ ने पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट सहित सभी उप निरीक्षकों को पुलिस लाइन में 3 दिन का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। नेशनल पार्ट में भारी कमी है, कोई भी सब इंस्पेक्टर को अपना पिस्तल खोलने में काफ़ी जो है कमियां पाई गई है, तो प्रभावी रूप से बेसिकली हथियार खोलना जोड़ना उसकी रखरखाव में जितना वाकिफ होना चाहिए था उतना नहीं है, इसलिए इन सभी लोगों को 3 दिन का ट्रेनिंग के लिए हमने दे दिया है। और एक सब इंस्पेक्टर ने मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर को, जनपद का स्टैंडिंग ऑर्डर है उधम सिंह नगर, क्योंकि वायलेंट और सीमावर्ती जिला है, क्राइम प्रोन जिला है, हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर रहता है कि हर सब इंस्पेक्टर को पिस्तल और या रिवॉल्वर कैरी करना मैंडेटरी है। उसका उल्लंघन किया है, उसको तत्काल हमने लाइन हाजिर के लिए बोल दिया है और जो है लाइन हाजिरी और 1 दिन का वेतन रोकने के लिए बोल दिया है, और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई के दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। इसके अलावा मैंने ये भी देखा हम लोगों ने कि हमारा जो कॉन्स्टेबलर ये काफ़ी जो है असलाहों का ट्रेनिंग जो है काफ़ी दिन से नहीं लिया, इसलिए इतना कॉन्फिडेंट नहीं है असलाहों का खोलने में, जोड़ने में, असलाहों की हैंडलिंग में, प्रॉपर मेंटेनेंस करने में, रखरखाव करने में। तो इसलिए जो है मैंने ये पूरा पुलभट्टा थाने की फ़ोर्स को 2 हिस्सों में बांटते हुए प्रत्येक दिन पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कॉन्स्टेबल्स, हेड कॉन्स्टेबल्स और फोर्स है ना, वही हमारा ताकत है। हल्द्वानी में IPL का सीजन 16 शुक्रवार की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि IPL सीजन के शुरू होते ही सट्टा बाजार भी शुरू हो जाता है। ऐसे ही सट्टा बाजारों को रोकने के लिए नैनीताल पुलिस के द्वारा अपने स्तर से तैयारी की गई है। इसी संबंध में हल्द्वानी पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी के द्वारा बताया गया है कि IPL शुरू होने पर क्षेत्र में सट्टे लगाए जाने की सूचना मिलती है, पर स्पष्ट न होने पर कार्यवाही होने में देर लगती है। SOG व साइबर क्राइम से संबंध रखने वाली टीम को सट्टे की जानकारी रखने व कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हाँ, ये प्राय देखा जाता है कि जब IPL चलता है तो इसमें ऑनलाइन कुछ लोग सट्टा लगाते हैं,
और कुछ इस तरह के अराजक तत्व सक्रिय हो जाते हैं जो सट्टा लगवा करके जो सीधे साधे लोग हैं उन लोगों का पैसा खर्च करवा देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारी एसओजी टीम और जो हमारी साइबर टीम है ये अपना ऑनलाइन और जो भी हमारा सर्विलांस का तरीका उस तरीके से इसको देख रही है और जनता से भी कभी कोई ऐसी इस तरह की हमें शिकायत मिलेगी तो उसको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे और इस तरह इस पे जो कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से हम लोग लगाम लगा सकें। सर क्या कार्रवाई होगी जो लोग पकड़े हैं? करे हुए तो फिर जुआ अधिनियम में मुकदमा कायम होता है उसमें, जैसे जो सिंपल सट्टा लगाते हैं जो लोग सट्टा पर्ची वगैरह वो उस एक्ट में होता है, इसमें ऑनलाइन अगर पकड़ेंगे उनको और हमारे पास एविडेंसेज होंगी तो संबंधित धाराओं में इसमें मुकदमा कायम करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद उनके सरकारी आवास खाली किए जाने का मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि उधमसिंह नगर के किच्छा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। किच्छा में नगर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए जो राहुल गांधी जी सदन के अंदर लगातार प्रहार कर रहे थे सरकार के ऊपर कि 20,000 करोड़ रुपया आखिर ये किस अडानी जी की कंपनियों में किसका लगा हुआ है, उस पर वो जवाब न देकर उन्होंने बदले की भावना से ये जो कार्रवाई हुई आनंद फानंद में सदस्यता रद्द हुई, उसके बाद आपने घर गाली कराने का आदेश दिया। लेकिन वो उस परिवार और उस व्यक्तित्व के लोग हैं, गांधी परिवार के लोग हैं जिनके नाना ने आप देखिए इलाहाबाद में स्वराज आश्रम जो भी वहाँ था पूरा उन्होंने राज्य सरकार को केंद्र सरकार को दान देने का काम किया था। आज उसमें संग्रहालय चल रहा है, उनके पास आज तक अपना आवास तक नहीं है। तो ये बात है कि जिस आदमी के पास अपना आवास ना हो उसने सरकार को दे दिया हो, जिसकी दादी जी ने लड़ाई लड़ते हुए पाकिस्तान से अपने गहने सेना को दे दिए हो, आप उसको कह रहे हैं कि आप आवास खाली कर दो। आपके कितने सांसद आज आवास में रहने जिन जो ना राज्यसभा के सदस्य हैं ना लोकसभा के सदस्य हैं, आपने जारी आदेश नहीं किया कि आप उनको आप भी मकान खाली करो? कानून तो कानून होता है। राहुल गांधी जी के निष्कासन और उनके जो मकान को छीना जा रहा है ये गवर्नमेंट द्वारा, उसके उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम आज नगर कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जो राहुल गांधी जी लोकसभा में सत्र के दौरान अपनी बात नहीं कह पाए, उसके लिए 3600 किलोमीटर वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, चलने के बाद जन समूह उनके साथ मिला, मिलने के बाद जब वो लौटते हैं एमपी के लिए आते हैं लोकसभा का फिर सत्र शुरू होता है, उन पे ये लगा करके इनलीगल लगा करके उनको सदस्यता निरस्त की जाती है, उनका मकान छीन लिया जाता है, जो कि मैं ये कहता हूँ कि ये लोकतंत्र की बहुत भारी लोकतंत्र में हिटलरशाही चल रही है, लोकतंत्र कहीं नहीं रहा। इस हिटलरशाही के खिलाफ कांग्रेस हमेशा रोड पे उतर के रहेगी। जैसा प्रदेश नेतृत्व तो हमें और आगे प्रोग्राम देगा हम वो प्रोग्राम करेंगे और जनता में हम जाएंगे। जनता के लिए जो राहुल गांधी जी ने किया आज उनके साथ बहुत गलत हुआ हिंदुस्तान के अंदर। उधम सिंह नगर में बारिश का कहर एक बार फिर से किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। आपको बता दें कि इस बार फसलों की खड़ी हुई गेहूं और सरसों की फसल बारिश की वजह से खराब हो चुकी है। किसानों को जहां इस फसल से मुनाफे की उम्मीद थी वहीं इस बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वहीं जिलाधिकारी उधम सिंह नगर युगल किशोर पंत ने बताया है कि पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं ओलावृष्टि हुई है जिससे गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। क्योंकि दो दिन से बेमौसमी बारिश हो रही है, हवा भी चली है और कुछ जगह ओलावृष्टि भी हुई है, उससे जो हमारी गेहूं की फसल पकने की स्टेज पे थी वो प्रभावित हुई है और कुछ ऐसे जो खेत नीचे थे लो लाइंग एरियाज थे वहाँ पे ज़्यादा नुकसान परिलक्षित हो रहा है। हमारी टीमें राज्यसभा की कृषि और उद्यान की पूरे क्षेत्र में गांव-गांव जा रही हैं और ये देख रही हैं कि किस तरह का नुकसान है और अगर 33% से अधिक नुकसान होता है तो आपदा राहत अधिनियम के तहत इनको मुआवजे की व्यवस्था है और हम प्रयास करेंगे कि जितने भी काश्तकार इससे प्रभावित हैं उनको सरकार की तरफ से मुआवजे दिया जाए। नुकसान तो जी सारा ही हो गया, गेहूँ की फसल तो रही ही नहीं समझ लो, 50% से ज़्यादा नुकसान हो गया है।
बाकी जो भी फसल है सारी पर नुकसान ही है। गन्ना है जिसका वो निकलता नहीं है, है ना, वो बारिश ज़्यादा पड़ गई है, गन्ना निकालना मुश्किल हो जाएगा, उधर फिर मिलें बंद हो जाएंगी, आगे को परेशानी परेशानी है सारी। गेहूं का जो एक तो दाना भी काला पड़ जाएगा, एक तो वैसे ही नीचे गिर गया है सारा, फिर कटाई में पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी। मांग तो यही है मुआवजा दिया जाए, है ना। कहाँ हैं सब लोग, शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। खडीमा में एक्सीडेंटल जोन बने पहनिया टोल टैक्स के पास आज फिर हुई सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में हुए घायलों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा 108 की मदद से उप जिला चिकित्सालय खटीमा में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद 4 गंभीर रूप से घायल लोगों को डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। संवाददाता गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। रामनगर से उदयपुर जा रहे थे तो ये जो खटीमा के टोल टैक्स है उसके थोड़े से आगे से और सामने से हमारा I-20 का कार आ रहा था, उसका ड्राइवर थोड़ा सा वो नींद में था, ठीक है, हम अपने लाइन से चले गए थे, वो अपने रॉन्ग साइड से चले गया था, नींद में आ गया वो गाड़ी के आगे, दोनों मतलब सेम स्पीड में थे, लेकिन उसने क्या किया अपने बचाव के लिए हमारे गाड़ी में ठोक दिया कार वाले रॉन्ग साइड में आके, ठीक है, और दोनों में एक्सीडेंट हो गया, हमारा जो गाड़ी का ड्राइवर है वो जगह पे ही मौत हो गया। ये अभी लगभग 9:30 बजे के आसपास हमारे पास एम्बुलेंस और 1033 की गाड़ी लेकर आई थी, बहुत सारे पेशेंट थे, उनमें से एक पेशेंट की तो डेथ हो गई है और बाकी 4 पेशेंट को रेफर कर दिया गया है फर्स्ट एड देने के बाद, और जितने बचे हैं बाकी सबको फर्स्ट एड हमने दिया है, सब स्टेबल है, प्रॉब्लम वाली बहुत ज्यादा बात है। आज के लिए इतना ही, उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए स्वराग लाल न्यूज के साथ, धन्यवाद।